जैसे लग रहा है कि कोई नीचे से इस पेड़ को रोका है पकड़ करके हाथ के है। जो एक पेड़ है कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत है और इस पेड़ का जो जड़ है कहीं और है। अच्छे तरीके से जैसे लग रहा है कि कोई एक रस्सी है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में। राकेश चौधरी का आप सबको नमस्कार है। इस समय मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जनपद के सुनारी माता मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं कि माँ सुनारी देवी वन दुर्गा ये मंदिर पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अद्भुत नज़ारा है जो आप सबको आइए मेरे साथ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो आप सब देखे नहीं होंगे। उम्मीद है कि मैं दिखा पाऊँगा और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। पहले मैं बात सब चीज़ यहाँ का दिखा देता हूँ, सारा नज़ारा जो दृश्य दिखा करके मैं आप सबको मैं बात कराऊँगा। यहाँ के जो पुजारी है, जो पुजारी है, जो मंदिर है, वो यहाँ का जो रहस्य है उसके बारे में बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस साइड में दिखाई पा कि जो एक पेड़ है कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत है और इस पेड़ का जो जड़ है कहीं और है। लेकिन आप लोग को आप लोग देख पा रहे हैं कि तमाम जो है कि पेड़ है और ये कहीं पेड़ से सारा उत्पन्न हुआ है और भी कम पेड़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मात्रा में है और पतला पतला नहीं है कि कहीं बरोहर के तौर पे निकल गया तो कहीं पतला डाली निकल गया, ऐसा नहीं है। पेड़ जो है एकदम पूरा बाकायदा भरपूर मात्रा में अच्छा, जैसे आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, उस तरीके से एक पेड़ का रूप धारण कर लिया है पेड़। अब आइए मेरे साथ इधर आकर जो है पेड़ जो है जहाँ से उत्पन्न हुआ है उस चीज़ को दिखाता हूँ, दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। इस साइड में दिखाई एक बात जो है पेड़ मेन पेड़ यहाँ पे है, इसका बरोबर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जैसे लग रहा है कि कोई एक रस्सी है प्लास्टिक का बरही जो बोलते हैं ग्राम सभा में गांव के देहातों में, वैसा ऊपर से सब लटक गया है और उसी बरोही के और ऐसा बरोही है जो पेड़ का रूप धारण कर लिया है और तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी है एक बरोही के रूप में नीचे आया है लेकिन नीचे से आकर के ये पेड़ का रूप धारण कर लिया है। यहाँ का एक नज़ारा ये देखिए आप लोग, जैसा लग रहा है कि कोई नीचे से इस पेड़ को रोका है पकड़ करके हाथ के हैंड के जैसा लग रहा है कि कोई हाथ से रोक लिया है और इसी पे पेड़ रुका हुआ है। और एक नज़ारा ये भी है, ये भी एक बरोहर का रूप है लेकिन पेड़ का रूप धारण कर लिया। इधर इधर दिखाई एक बार, इतना मोटा मोटा जो है बरोहर आया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ का रूप धारण कर लिया है और यहाँ का नज़ारा देख करके काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दर्शकों को दिखाना चाहिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था और आप सबको मैं सारा कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर एक बार पेड़ का ऊपर का जो दृश्य है उसको दिखा दीजिए कि कितना विशाल पेड़ है। कहीं ना कहीं महाराजगंज जिला में एक अनोखा है, अद्भुत है, इस नज़ारा को आप लोग देख पा रहे हैं और महाराजगंज जनपद में बहुत कम ही देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पूर्वांचल जो है बहुत बड़ा है लेकिन पूर्वांचल में जो है बहुत अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। हमेशा आप लोग देखे होंगे इधर उधर जो है बहुत दूर पे देखने को मिलता होगा आप सबको, लेकिन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक जिला है जो महाराजगंज जनपद और महाराजगंज जनपद में ऐसा विशाल विशाल पेड़ कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता होगा और ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल में तमाम तरीके का जो है अद्भुत नज़ारे देखने को आप सबको मिलते हैं। क्या नाम है भैया आपका, कैसा लग रहा है आपको? सुनारी माता मंदिर है, काफ़ी ठंड मौसम है यहाँ का और महाराजगंज जिले में आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं एक अनोखा है? कहीं ना कहीं पूर्वांचल में भी नहीं देखे होंगे? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या नाम भैया आपका? मदन। कैसा लग रहा है सुनारी माता मंदिर पे आकर के? बहुत बहुत आनंद, बहुत मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ठंड मौसम है, पूरा मजा ले रहे हैं। नहीं, गर्मी मौसम है, गर्मी का मौसम है, नजारा यहाँ अच्छा मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम होने के बावजूद भी इतना तापमान है तेज से, लेकिन इसके बावजूद भी इस मंदिर पर अगर आप लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को वो ठंडी वाला मौसम याद आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं राकेश चौधरी, आप देख रहे थे इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद।